नमस्कार, मैं अप्रिया। आज 17 जून खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में कोविड 19 के मिले 400 से कम मामले। रिकॉर्ड धान की खरीदारी पर नीतीश कुमार ने दिया बयान। पशुपति पारस और प्रिंस राज पर हुआ परिवाद दायर। बिहार के कई जिलों में जारी की गई बाढ़ की चेतावनी। अगले 48 घंटे के लिए जारी हुआ रेड अलर्ट। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में कोविड 19 के मिले 400 से कम मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 370 मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 3,990 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 11, अलवर में 5, औरंगाबाद में 5, बांका में 3, बेगूसराय में 7, भागलपुर में 5, भोजपुर में 4, बक्सर में 2, दरभंगा में 7, ईस्ट चंपारण में 12, गया में 8, गोपालगंज में 18, जमुई में 3, जहानाबाद में 3, कैमूर में 4, कटिहार में 10, खगड़िया में 6, किशनगंज में 11, लखीसराय में 9, मधेपुरा में 14, मधुबनी में 8, मुंगेर में 10, मुजफ्फरपुर में 12, नालंदा में 11, नवादा में 22, पटना में 34, पूर्णिया में 17, रोहतास में 2, सहरसा में 27, समस्तीपुर में 10, सारण में 15, शेखपुरा में 2, शिवहर में 1, सीतामढ़ी में 9, सिवान में 7, सुपौल में 22, वैशाली में 9, वेस्ट चंपारण में 1 मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही 4 ऐसे मामलों की पुष्टि की गई है जो दूसरे राज्यों के हैं, लेकिन इनके सैंपल बिहार के अलग अलग जिलों में कलेक्ट किए गए हैं। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 1,11,819 सैंपल की जांच की गई। वहीं कुल मिलाकर 730 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। गंडक नदी में आए उफान के कारण हाई अलर्ट पर जल संसाधन। नेपाल और आसपास के इलाकों में लगातार हो रही बारिश के कारण गंडक नदी उफान पर है। वाल्मीकि नगर बराज से फिलहाल 4,08,000 क्यूसेक पानी को छोड़ा गया है, जिसके कारण जल संसाधन विभाग काफी ज्यादा अलर्ट मोड में काम कर रहा है। मिली जानकारी के अनुसार गंडक बराज पर पानी छोड़ने के कारण बिहार के कई इलाकों में पानी भर गया है और जल स्तर में भी लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिससे तटबंध और बांधों पर 24 घंटे अभियंता और कर्मियों के मुस्तैद रहने का आदेश जारी किया गया। इतना ही नहीं, सोन के ऊपरी जल संग्रहण क्षेत्र में 2 दिनों से हो रही बारिश के कारण इंद्रपुरी बराज पर जल स्तर में वृद्धि होने का सिलसिला जारी है। वहीं जल संग्रहण को लेकर के और जल ग्रहण क्षेत्र से बराज पर 14,354 क्यूसेक जल प्रवाह दर्ज किया गया। हालांकि जल संसाधन विभाग लगातार इस पूरे मामले की निगरानी कर रहा है। डिब्रूगढ़ चंडीगढ़ साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन का परिचालन होगा अगले महीने से। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, समस्तीपुर मुजफ्फरपुर हाजीपुर के रास्ते डिब्रूगढ़ और चंडीगढ़ के मध्य स्पेशल ट्रेन का परिचालन अगले महीने की 5 तारीख से शुरू किया जाना है। पूर्व मध्य रेल के CPRO राजेश कुमार ने इस बाबत जानकारी दे दी है, जिसके तहत उन्होंने बताया कि यात्रियों की सुविधाओं के लिए 05903 डिब्रूगढ़ चंडीगढ़ साप्ताहिक विशेष गाड़ी का संचालन 5 जुलाई 2021 से अगले आदेश तक हर सोमवार को किया जाएगा। इसके साथ ही ट्रेन संख्या 05904 चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ साप्ताहिक विशेष गाड़ी का संचालन चंडीगढ़ से 7 जुलाई 2021 से अगले आदेश तक प्रत्येक बुधवार को किया जाएगा। इस गाड़ी में सभी को आरक्षित श्रेणी मिलेगा और इसमें यात्रा करने वाले यात्रियों को कोविड 19 के मानकों का पालन करना होगा। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे गोपाल सिंह नेपाली की। गोपाल सिंह नेपाली एक भारतीय कवि और अंजामा के गीतकार थे। वह पुत्र अर्थशास्त्र और रेणुप्रिया थे। गणेश चतुर्थी कीर्ति बॉलीवुड के साथ उनका जुड़ाव लगभग 2 दशकों तक चला। 1944 में शुरू हुआ और 1963 में उनकी मृत्यु के साथ समाप्त हुआ। फिल्म गीतकार के रूप में एक अलग पहचान बनाने वाले नेपाली ने 54 फिल्मों में लगभग 300 गाने लिखे। वह छायावाद के बाद के काल के कवि थे और उन्होंने उमंग सहित हिंदी कविताओं के कई संग्रह लिखे। उमंग रागिनी, पंछी नीलमा, हिमालय ने पुकारा आदि जैसे प्रसिद्ध कविता संग्रहों के नाम है। अगले 48 घंटे के लिए जारी हुआ रेड अलर्ट। बिहार में मौसम की स्थिति को देखते हुए मौसम वैज्ञानिकों ने अगले 48 घंटे के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना की तरफ से 18 जून तक बिहार में भारी बारिश और तीव्र आकाशीय बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की गई है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के ऊपर एक चक्रवात बना हुआ है, जिसके कारण बिहार में मॉनसून फिलहाल पूरी तरीके से सक्रिय है, जो आने वाले 2 दिनों तक जारी रहेगा। इसको लेकर ही 48 घंटे तक अलर्ट जारी किया गया। इस बाबत मौसम वैज्ञानिक आशीष कुमार ने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि जो मौसमी सिस्टम फिलहाल बने हुए हैं उसके मुताबिक पूरे बिहार में बड़े पैमाने पर आकाशीय बिजली खासकर बिहार के पूर्वी और उत्तरी क्षेत्र में गिर सकती है। डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन ने डिजाइनर, डेवलपर और अन्य पदों के लिए निकाली रखतियां। डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन ने अपनी वेबसाइट पर सीनियर डेवलपर, डेवलपर, डिजाइनर सॉफ्टवेयर टेस्टर कम डेवलपर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर और कंटेंट मैनेजर राइटर के पद पर भर्ती के लिए एक अधिसूचना प्रकाशित की है। योग्य उम्मीदवार 1 जुलाई 2021 को या फिर उससे पहले ora.digitalindiacorporation.in पर डिजिटल इंडिया भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इसकी पूरी जानकारी आपको आधिकारिक वेबसाइट पर मिल जाएगी।
बिहार में रिकॉर्ड धान की खरीदारी पर नीतीश कुमार ने दिया बयान। बिहार में इस साल रिकॉर्ड धान की खरीदारी हुई है। इस बाबत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए ट्वीट जारी किया है, जिसमें उन्होंने लिखा कि बिहार में धान और गेहूं की विकेंद्रीकृत अधिप्राप्ति से किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिला है। इस साल 35.58 लाख मीट्रिक टन धान का रिकॉर्ड अधिप्राप्ति किया गया और किसानों को 6,736 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। पहले बिहार में गेहूं की खरीद नाम मात्र ही होती थी। 12 जून की समीक्षा बैठक के बाद लगा कि 15 जून 2021 तक 3.5 लाख मीट्रिक गेहूं की अधिप्राप्ति हो जाएगी, परंतु यह हर्ष का विषय है कि 15 जून 2021 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार 4,56,000 मीट्रिक टन गेहूं के रिकॉर्ड खरीद की गई है। पशुपति पारस और प्रिंस राज पर हुआ परिवाद दायर। लोजपा पार्टी की मुखिया कुर्सी के लिए शुरू हुए उठापटक के बीच बीते दिन सांसद पशुपति पारस और प्रिंस राज के खिलाफ परिवाद दायर कर दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार सामाजिक कार्यकर्ता कुंदन कुमार ने धारा 420, 406 और 434 के तहत परिवाद पत्र लोजपा के हाजीपुर सांसद पशुपति पारस, प्रिंस राज और 5 अज्ञात के खिलाफ दायर किया है, जिसकी सुनवाई अब 21 जून को होने वाली है। सामाजिक कार्यकर्ता कुंदन कुमार का कहना है कि पासवान को लोजपा से अलग करने की कोशिश पशुपति पारस और प्रिंस कुमार ने की है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है, जबकि रामविलास पासवान और चिराग के नाम पर ये सांसद बने थे और आज जब रामविलास पासवान जी नहीं है तब पीठ में खंजर घोपने का काम किया गया, लेकिन इन सब के बावजूद मुझे उम्मीद है कि चिराग पासवान को न्यायालय से न्याय जरूर मिलेगा। दरभंगा एयरपोर्ट से अब 3 शहरों के लिए शुरू हुई 2-2 फ्लाइटें। दरभंगा एयरपोर्ट से बैंगलोर आने जाने वालों के लिए खुशखबरी। स्वाइसजेट एयरलाइंस ने बैंगलोर के लिए एक और विमान सेवा की शुरुआत करने का ऐलान कर दिया है, जिससे यात्रियों की यात्रा काफी सुगम होने वाली है। जानकारी के अनुसार फ्लाइट संख्या SG694 2:12:45 पर यात्रियों को लेकर दरभंगा से रवाना हुई, जो कि 3:30 बजे बेंगलुरु हवाई अड्डे पर पहुंची। विमान 2:45 में यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने में कामयाब रही। एयरपोर्ट प्रशासन की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार COVID-19 की दूसरी लहर के बाद यात्रियों की संख्या अधिक होने के कारण स्पाइसजेट कंपनी ने यह निर्णय लिया। इसके अलावा स्पाइसजेट अहमदाबाद, हैदराबाद, कोलकाता और पुणे के लिए 1-1 विमान का संचालन कर रहा है। बिहार पंचायत चुनाव की तैयारी हुई शुरू। COVID-19 के कारण टले बिहार पंचायत चुनाव की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार निर्वाचन आयोग में जिलों से रिपोर्ट की मांग की गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने आपदा प्रबंधन विभाग से बाढ़ प्रभावित जिलों से लेकर प्रखंड और पंचायतों के बारे में विस्तृत तौर पर जानकारी मांगी है। अगर सितंबर तक COVID-19 की तीसरी लहर का कोई प्रभाव नहीं दिख जाता तो आयोग दिसंबर तक चुनाव संपन्न कराने की रणनीति में जुट गया है। इसके साथ ही पंचायतों में परामर्श समिति के गठन से संबंधित दस्तावेज की मियाद नवंबर में पूरी हो रही है। ऐसे में आयोग इस लिहाज से भी चुनावी तैयारियों को पूरा करने की योजना बना रहा है। वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को लागू करने वाला बिहार बना पहला राज्य। राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को लागू करने के मामले में बिहार को नंबर 1 बताया है। इस बाबत उन्होंने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि जून 2020 में लॉन्च की गई वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के तहत 9 महीने में बिहार के 10,938 प्रवासी श्रमिकों ने दूसरे राज्य में अपना राशन उठाया है। इसके साथ ही बिहार में कुल मिलाकर 1.75 करोड़ राशन कार्डधारियों में से 45 लाख परिवार ने अपने पैतृक निवास से हटकर बिहार के अन्य जिलों और शहरों से राशन उठाने का काम किया। इस स्कीम का सबसे पहले लागू करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बन गया है। आपको बता दें कि बिहार के प्रवासी मजदूर जिन्होंने पिछले साल राशन कार्ड के लिए आवेदन दिया था, देश में सर्वाधिक वैसे 30 लाख लोगों को यहां राशन कार्ड निर्गत किया गया है। बिहार के कई जिलों में जारी की गई बाढ़ की चेतावनी। बिहार के कई जिलों में बाढ़ को लेकर चेतावनी जारी कर दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार बीते दिन केंद्रीय जल आयोग ने हाल ही में बिहार के लिए एक नारंगी बुलेटिन जारी किया है, जिसमें राज्य के कुछ हिस्सों में बाढ़ की स्थिति की भविष्यवाणी की गई, जिसके तहत बूढ़ी गंडक नदी के लिए ऑरेंज बुलेटिन जारी किया गया है। वहीं न्यूज लिखे जाने तक CWC की एडवाइजरी के अनुसार बिहार के गोपालगंज जिले के डुमरिया घाट में गंडक नदी 62.4 मीटर के स्तर पर बढ़ती हुई प्रवृत्ति के साथ बह रही थी, जो कि 62.22 मीटर के खतरे के स्तर से 0.18 मीटर ऊपर है और 64.36 मीटर के अपने पिछले HFL से 1.96 मीटर नीचे है, जिसके तहत सुपौल, अररिया, बेतिया, गोपालगंज, मोतिहारी, किशनगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और राजधानी पटना के कई इलाकों में बाढ़ की आशंका को देखते हुए NDRF की 10 टीम को तैनात कर दिया गया। इथेनॉल कुकिंग स्टोर का डेमो देखकर बिहार को अग्रणी राज्य में शामिल करने का शाहनवाज ने रखा लक्ष्य। बिहार में इथेनॉल उद्योग को लेकर काफी ज्यादा सरगर्मी देखने को मिल रही है। इथेनॉल पॉलिसी आने के बाद से बिहार में इथेनॉल उत्पादन फैक्ट्री लगाने वालों की होड़ भी मची हुई है। इसी क्रम में बीते दिन पटना स्थित कार्यालय में उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने इथेनॉल कुकिंग स्टाफ का एक डेमो देखा, जिसको देखने के बाद उन्होंने कहा कि यह बहुत अच्छा है कि इथेनॉल को लेकर अलग तरह के प्रयोग हो रहे हैं। मैंने प्रोडक्ट की R&D की जारी की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार की NDA सरकार का मकसद इथेनॉल उत्पादन के क्षेत्र में बिहार को अग्रणी राज्य में लेकर जाना है और इसके लिए निरंतर कोशिश की जा रही है।
बिहार सरकार ने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की एक तिहाई सीट को छात्राओं के लिए किया रिजर्व। बिहार सरकार लगातार छात्राओं के हित में फैसले लेते नजर आ रही है। पहले इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में 33% आरक्षण देने के बाद अब नीतीश सरकार ने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में एक तिहाई सीट छात्राओं के लिए रिजर्व रखने का आदेश जारी कर दिया है। इसको लेकर बीते दिन मुख्यमंत्री आवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के संबंध में प्रस्तावित विधेयक का प्रस्तुतिकरण दिया गया था। इस दौरान संस्कृत एवं युवा विभाग के अपर मुख्य सचिव वंदना किनी ने बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी रिजल्ट 2021 के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के संबंध में प्रस्तावित विधेयक के कुछ बिंदुओं पर और गहन विचार विमर्श करने की आवश्यकता है, लेकिन फिलहाल एक तिहाई से छात्राओं के लिए आरक्षित सीट की जा रही है। इससे स्पोर्ट्स की तरफ छात्राएं और ज्यादा प्रेरित होंगी और उनकी संख्या भी बढ़ेगी। चिराग पासवान ने राजू तिवारी को बनाया लोजपा का प्रदेश अध्यक्ष। चिराग पासवान ने लोजपा में जारी उठापटक के बीच बीते दिन राजू तिवारी को लोजपा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। इसको लेकर बीते दिन चिराग पासवान एक विज्ञप्ति जारी की है, जिसके तहत उन्होंने बताया कि राजू तिवारी अब लोजपा के बिहार इकाई के अध्यक्ष होंगे। जारी विज्ञप्ति में यह भी कहा गया कि राजू तिवारी जी, मुझे आपको लोक जनशक्ति पार्टी की बिहार इकाई का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करते हुए काफी प्रसन्नता हो रही है। विश्वास है कि आपके कुशल नेतृत्व में बिहार में पार्टी और सुदृढ़ होगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, राजू तिवारी साल 2020 विधानसभा चुनाव में उन्हें शिकस्त मिली। राजू चिराग पासवान के भरोसे माने जाते हैं। वो पार्टी में कई पदों पर रहे हैं। हाल ही में उन्हें प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाया गया था। डॉक्टरों की जान जाने के मामले में आईएमए ने जारी की टॉप 3 की लिस्ट। कोविड 19 के मामलों में आम नागरिकों के साथ साथ सभी के रक्षक डॉक्टरों की जान भी गई है, जिसमें बिहार राज्य देश भर में पहले स्थान पर है। इसके साथ ही टॉप 3 राज्यों के नाम भी साझा किए गए हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार कोविड 19 की दूसरी लहर से देश भर में 730 डॉक्टर की जान गई है, जिसके तहत दिल्ली में 109, उत्तर प्रदेश में 79 तो वहीं बिहार में 115 डॉक्टर की जान गई है, जिसके तहत बिहार में सर्वाधिक 115 डॉक्टरों की जान जाना बेहद ही चिंताजनक बताई गई है। इसको लेकर राहुल गांधी ने भी अपना ट्वीट जारी किया था। राहुल गांधी ने डॉक्टरों के परिजनों के प्रति संतावना व्यक्त करते हुए डॉक्टरों को सलाम किया है। कार्ड स्वाइप करने के वक्त रखें कुछ बातों का खास ख्याल। कार्ड स्वाइप करने के दौरान अब आपको खास बातों का ख्याल रखने की नसीहत दी गई है। इसको लेकर हाल ही में बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ने खास एडवाइजरी जारी की है, जिसमें स्वाइप करने के वक्त अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई, जिसके तहत कभी भी दुकानदार को अपना कार्ड स्वाइप करने के लिए किसी दूसरे दुकान या कमरे में नहीं ले जाने दें। खरीदारी के बाद अपने चार्ज स्लिप हमेशा अपने साथ रखें। कभी किसी खाली क्रेडिट कार्ड रसीद पर हस्ताक्षर न करें। खाली स्थान पर एक लाइन खींचकर उसे काट दें, ताकि वहां किसी भी प्रकार की अतिरिक्त जानकारी ना लिखी जा सके। अपने कार्ड की लेन देन का सत्यापित करने के लिए अपने मासिक विवरणों के विरुद्ध रसीदों की जांच करें तथा किसी भी अनाधिकृत लेन देन की तुरंत सूचना दें। इसके साथ ही एक बार जब अपने खाते के विवरण का मिलान कर ले तो सभी शुल्क पर्चियों को फाड़ दें तथा रेस्टोरेंट या शॉपिंग मॉल में प्रस्तुत किए गए किसी सर्वे फॉर्म में अपनी निजी जानकारी ना भरें। 30 को प्रधानमंत्री के खिलाफ अभियान चलाएंगे वाम दल। लगातार महंगाई बढ़ रही है और सरकार टस से मस होने का नाम नहीं ले रही है। इसके कारण ही बिहार के सभी वाम दल 16 से 30 जून तक महंगाई के खिलाफ अभियान चलाने का आह्वान पहले ही कर चुके हैं। अभियान के अंतिम दिन यानी कि 30 जून को पांचों वाम दल एकजुट होकर सभी जिला मुख्यालय पर संयुक्त मोर्चा करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। इसको लेकर राज्य कार्यालय में वाम दलों की बुधवार को हुई संयुक्त बैठक में फैसला लिया गया, जिसकी अध्यक्षता सीपीआई के राज्य सचिव राम नरेश पांडे ने की। वाम दलों ने आयकर के दायरे से बाहर के परिवारों को 6 महीने तक पैसे देने और साथ ही प्रति सदस्य को 10 किलो अनाज के साथ साथ दाल, खाद्य तेल, चीनी, मसाले, चाय आदि मुहैया कराने की मांग की है। लोजपा की रार के बीच चिराग ने पशुपति और जदयू पर साधा निशाना। लोजपा में जारी रार के बीच बीते दिन चिराग पासवान ने पशुपति और जदयू पर निशाना साधा, जिसके तहत बीते दिन आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि चाचा मुझे बोलते कि मैं लोकसभा नेता बनना चाहता हूं तो मैं खुशी खुशी बना देता। अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में चिराग पासवान ने कई बिंदुओं पर भी चर्चा की, जिसके तहत इस दौरान उन्होंने पुरानी बातों का जिक्र करते हुए कहा, मुझे याद है जब पापा आईसीयू में थे तब भी उन्होंने पार्टी के कुछ नेताओं से बातचीत में कहा था कि मीडिया में इस तरह की भ्रामक खबर आ रही है कि पार्टी रही है। उन्होंने चाचा को भी संदर्भ में कहा था, दुख मुझे इस बात का है कि मैं बीमार था उस समय, पीठ पीछे जिस तरह से ये पूरा षड्यंत्र रचा गया। वहीं उन्होंने जदयू को लेकर कहा कि जदयू काफी लंबे समय से पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन विधानसभा चुनाव के दौरान हम मजबूती से मैदान में उतरे थे। लोजपा में जारी उठापटक के लिए राजद और कांग्रेस ने जदयू को ठहराया जिम्मेदार। लोजपा में जारी राजनीतिक उठापटक के बीच राजद और कांग्रेस ने अपना बयान जारी किया है और साथ ही जदयू को इस पूरे घटनाक्रम के लिए जिम्मेदार बताया, जिसके तहत ही राजद की तरफ से मृत्युंजय तिवारी और कांग्रेस की तरफ से राजेश राठौड़ ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस बाबत मृत्युंजय तिवारी ने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि 80 लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान की है पार्टी है,
क्योंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बदौलत ही पार्टी होती है। बिहार की जनता भी जानती है कि असली लोजपा कौन है। जिस तरह की राजनीति लोक जनशक्ति पार्टी को लेकर जदयू ने की है, बिहार की जनता अब सब जानने लगी है। इसके साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा कि असली लोजपा चिराग पासवान ही है। आज लोजपा की कार्यकारिणी की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष का होगा चुनाव। लोजपा में जारी सियासी उठापटक के बीच आज पशुपति पारस खेमे से राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए सूरजभान सिंह चुनाव करवाने वाले हैं। इसको लेकर बीते दिन ही पशुपति पारस लोजपा एमपी बीना देवी और लोजपा एमपी चौधरी महबूब अली कैसर पटना पहुंच गए थे। वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान खेमे की तरफ से यह दावा किया गया है कि 78 में से 50 कार्यकारिणी सदस्य हमारे साथ है। वर्चुअल मीटिंग के दौरान 42 लोग जुड़े थे और 8 लोगों ने फोन पर चिराग से बात कर अपना समर्थन दिया था, जिसके बाद अब दिल्ली में पार्टी बचाने की तैयारी में चिराग पासवान जुड़ते नजर आ रहे हैं, जिसके बाद अब लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कार्यकारिणी के सदस्य करेंगे। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। नवाब सिराजुद्दौला ने 50,000 सैनिकों के साथ कलकत्ता पर 1756 में आक्रमण किया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नायिका झांसी की रानी लक्ष्मीबाई 1858 में शहीद हुई। महात्मा गांधी ने 1917 में साबरमती आश्रम के हृदय कुंज में अपना निवास बनाया। मंगल पर 2004 में पृथ्वी की चट्टानों से मिलते जुलते पत्थर मिले। साइना नेहवाल 2012 में तीसरी बार इंडोनेशिया ओपन चैंपियन बनी। असम के प्रसिद्ध साहित्यकार स्वतंत्रता सेनानी तथा फिल्म निर्माता ज्योति प्रसाद अग्रवाल का जन्म 17 जून 1903 को हुआ। मुमताज महल का निधन 1631 में हुआ। वो असाफ खान की पुत्री जिनका निगाह मुगल सम्राट शाहजहां से हुआ था। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग के टॉप 10 में भारत के 3 खिलाड़ी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने बुधवार को ताजा टेस्ट रैंकिंग जारी की, जिसमें बल्लेबाज रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ ने पहला स्थान हासिल किया है। भारतीय कप्तान विराट कोहली चौथे स्थान पर पहुंच गए। आपको बता दें, इससे पहले नंबर पर न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन थे, लेकिन चोटिल होने के कारण इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में वो नहीं खेल पाए, जिससे स्मिथ से 5 रेटिंग अंक और बल्लेबाजों की सूची में दूसरे स्थान पर पहुंच गए। इसके साथ ही टॉप 10 में शामिल अन्य भारतीयों में विराट कोहली के साथ विकेटकीपर ऋषभ पंत और स्टार सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा मौजूद है, जिन्होंने अपना संयुक्त 6वां स्थान बरकरार रखा है। जियो ने मुंबई में शुरू किया अपना 5G ट्रायल। एयरटेल के बाद अब जियो ने मुंबई में 5G ट्रायल की शुरुआत कर दी है। मीडिया की तरफ से जारी किए गए खबरों के अनुसार एक सीनियर एग्जीक्यूटिव ने बताया कि रिलायंस जियो मिड और एमएम वेव बैंड्स दोनों का यूज करके मोबाइल में 5G ट्रायल कर रहा है और किया जा रहा है, और इसकी स्पीड 4G से काफी ज्यादा है। 5G को लेकर के लोकल पार्टनर की मदद से मैन्युफैक्चर किया गया है। साइट डिप्लॉयड के मुकाबले जियो का 5G ट्रायल काफी बड़ा है। ट्रायल को जल्द ही दूसरे शहर और एरिया में भी शुरू किया जाएगा। आपको बता दें, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने हाल ही 5G ट्रायल के लिए 700 मेगाहर्ट्ज़ 3.5 गीगाहर्ट्ज़ बैंड स्पेक्ट्रम एयरटेल, रिलायंस जियो और वोडाफोन आइडिया को उपलब्ध करवाया था। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 16 जून को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 47,410 रुपए था, वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 48,410 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 71,300 रुपए था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 98.49 रुपए प्रति लीटर और डीजल 92.59 रुपए प्रति लीटर था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है सुमन कुमार, राजमणि रंजन, ओम प्रकाश शर्मा, आदर्श अनुज, जगदीश राम, अमर कुमार, अरुणाभ कुमार, आकाश कुमार, अभिमन्यु कुमार, मुन्नू कुमार, कुंदन राज, रवि राज, अरविंद कुमार, शंकर मुखिया, पारस कुमार, शैलेंद्र कुशवाहा। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार लोजपा पार्टी की मुखिया कुर्सी चिराग खेमा या फिर पशुपति पारस खेमा में से किस खेमे में जाएगी? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।